हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे देतीमन। सीडलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स से टीचर्स की वैकेंसी आई है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, प्री प्राइमरी टीचर्स की। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की, ऑफिस असिस्टेंट की, अकाउंटेंट की, चार्टर अकाउंटेंट की, इनकी भी जो है वैकेंसी निकाली गई है। कोई एग्जाम नहीं होगा। जॉब लोकेशन जो है वो जयपुर रहने वाली है। जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट तो आगे बने रहें, वीडियो के अंत तक जो है वो सारी चीज़ें सुने। सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी आप लोगों को मिलने वाली है। साथ में जो दूर जिनको जो टीचर्स यहाँ पर सिलेक्शन जिनका होगा तो जो दूर से आते हैं तो उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी इनको प्रोवाइड की जाएगी, यानी रहना जो है इनके लिए फ्री रहेगा। यहाँ पर सभी राज्यों से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई फीस आप लोगों से ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कूल है वो केवल एक स्कूल नहीं है, इसके अंदर जो एक ग्रुप है स्कूल्स का, जहाँ पर हाई स्कूल, इंटरनेशनल मॉडर्न स्कूल, यानी प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक जो है ये एक पूरा ग्रुप है। वैकेंसी जहाँ से आई है तो जॉब लोकेशन जयपुर है जहाँ से वैकेंसी आई है। तो जैसा कि थंबनेल में ही मैंने शो कर दिया है, इसकी जो एडवर्टीजमेंट है शीडलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स की, सीबीएसई स्कूल है ये। यहाँ पर मोर देन 30 ईयर इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में ये 30 सालों से जो है वो वर्क कर रहा है और बहुत अच्छे टीचर्स जो है यहाँ पर रखे जाते हैं। इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर या आईटी प्री प्राइमरी टीचर्स, इनकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक दो दो जो है वो वैकेंसी है। साथ में चार्टर अकाउंटेंट की 2 वैकेंसी है, अकाउंटेंट की 4 है, आईटी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट या टाइपिस्ट की 2 वैकेंसी और लैब असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है। यदि आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पर जा सकते हैं। ऐसे स्कूल्स में जो है वो सैलरी काफी अच्छी आप लोगों को मिलती है और जो आप सोच के जाते हैं यदि आपका वर्क अच्छा रहता है तो उससे भी अधिक जो है वो सैलरी यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट को दी जाएगी। अप्लाई इन कॉन्फिडेंस अलोंग विद योर बायोडाटा एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 7 डे, 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों को अपना रिज्यूम या बायोडाटा और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ईमेल कर देनी है। 7 दिन का मतलब है कि 2 सितंबर को ये पब्लिश हुई है और आगे के 7 दिन तक जो है वो आप लोग यहाँ पर ईमेल कर दें। ईमेल एड्रेस दिया है seedlingacademy@hotmail.com। ठीक है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट जो कि दूर से आएंगे तो उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी, रहने की सुविधा जो है इनको प्रोवाइड की जाएगी एट सब्सिडीज रेट। एड्रेस है यहाँ पर सेक्टर 4 पार्क लेन, जवाहर नगर, जयपुर। तो आप लोगों को यहाँ पर जाना है सेक्टर 4 पार्क लेन, जवाहर नगर, जयपुर में। फोन नंबर भी दिया है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट जो है वो है भी आप लोगों को दी गई है www.seedlingschools.com। तो अभी जो है इसकी मेन वेबसाइट पर अगर आप चेक करेंगे तो करियर सेक्शन पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट फॉर्म जो है वो दिया गया है, यस आई वुड लव टू ज्वाइन द सीडलिंग फैमिली, यानी यहाँ पर जो है वो आप लोग पढ़ाना चाहते हैं तो फॉर्म जो है वो कैसे फिल करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट जो है वो सारी चीज़ें जो है सबमिट करनी है। तो यहाँ देखें, नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है यहाँ पर, ताकि आप लोगों को ये संपर्क कर सकें बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो भी यहाँ पर लिख दें, 5 साल से कम है, 5 साल से अधिक है या एनी अदर, या बिल्कुल नहीं है तो ये भी लिख दें। ठीक है, यानी इस पर क्लिक कर दें। बोर्ड इंटरेस्टेड इन, किस बोर्ड को, वैसे तो सीबीएसई है ये, लेकिन यहां पर और भी ऑप्शन है, कैम्ब्रिज है, एनी अदर है। मैंने आपको बताया कि एक स्कूल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, तो आप लोगों को किस में जाना है तो वो चीज आप डिसाइड करेंगे। क्लासेस डॉट, किस क्लास को पढ़ाना है, तो यहां पर आप प्राइमरी स्कूल में जाना चाहते हैं तो प्राइमरी पे आप लोगों को क्लिक करना है, मिडिल पे, सीनियर या एनी अदर। ठीक है, यूनिवर्सिटी तक है ये पूरा। एजुकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहां पर आप देखेंगे सिलेक्ट पर, बैचलर, मास्टर, बीएड, एनी अदर, जो भी आपने किया है तो यहां पर आप क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, टीचिंग सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो यहां डाल दें। रोल, रोल में आप देखें यहां पर टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, एनी अदर, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। उसके बाद यहां पर अपना अपलोड कर दें सीवी या रिज्यूम, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट फोटोग्राफ है, ये सारी चीजें आप लोग अपलोड करके और पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो चेंज करके उसके बाद अपलोड करके और सबमिट आप लोगों को कर देना है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों को जॉब की जो है ज़रूरत है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो 7 दिन के अंदर जो है वो आप लोगों को ईमेल कर देना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके माइंड में तो फ़ोन नंबर जो है दिया है यहाँ पर, तो दोनों फ़ोन नंबर पर जो है वो आप लोग फ़ोन करके सारी चीज़ें और भी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।